हेलो एवरीवन। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब मार्केट और अपना निफ्टी इस तरह की तेज़ी में होता है एंड व्हेन मार्केट्स आर एट लाइफ टाइम हाई, एक बात और याद रखिए, सबसे ज़्यादा गलतियाँ या मिस्टेक्स भी लाइफ टाइम हाई पे ही होती हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टॉक्स आर मूविंग अप फास्टर देन एक्सपेक्टेड एंड अ लॉट ऑफ स्टॉक्स आर गिविंग फ्रेश ब्रेकआउट्स। सो मैनी अ टाइम्स पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड वैल्यूएशंस, दे डोंट रियली गेट क्या भाव पे लेना है, क्या भाव पे बेचना है, वो सुनी सुनाई बातों में, आई एम श्योर अभी शुरू हो गया होगा, आपको भी बेकार के टिप्स मिलते होंगे, यहाँ पे बाय करो, ये बाय करो, ये ज़रूर चढ़ेगा, बिकॉज़ अभी कैसा है कि स्टॉक्स आर रनिंग अवे, लिटरली पीपल आर चेजिंग देम एंड FIIs उस चेज में सबसे आगे हैं। तो स्टॉक्स आप IRFC देखो, दो हफ्ते में नहीं, लाइक लास्ट 5 दिन में एक्चुअली फ्रॉम 77 to 100+। वी नो, वी हैव स्पोकन अबाउट इट, इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक, वो सब ठीक है, लेकिन जब इस तरह की अफरा तफरी वाली मूव आती है ना, तभी ट्रेडर्स को स्पेशली सावधान रहना चाहिए, फ्रेश ब्रेकआउट्स की नज़र उस पर नज़र रखनी चाहिए और सेक्टर जो मोमेंटम में है उस पर नज़र रखनी चाहिए। एक स्टॉक जिसमें फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स हैज़ कम टू द लेवल ऑफ अराउंड 950 के आसपास वो आने की कोशिश कर रहा है, इट हैज़ कम टू दिस लेवल एंड अबव दिस लेवल कपल ऑफ टाइम्स, लेकिन वो इसको रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया है। नाउ जिस तरह के मोमेंटम में क्लोजिंग आ रही है, ये स्टॉक एक बार और कोशिश कर रहा है कि 950+ 1000+ निकलने की कोशिश करे। इफ़ हैप्पीएस्ट माइंड्स गोज़ अबव 1000 लेवल, देन ये ब्लू स्काई टेरिटरी में आ जाएगा, उसके बाद आप देखोगे वो पुराना अपना जो प्रीवियस लेवल्स था उसको ज़रूर स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। सेम पैटर्न वॉज ऑब्जर्व विद HCLTech, बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मेंस, 950, 1000, 1100 के आसपास कितना टाइम करेक्शन किया, लेकिन यही होता है ना बाज़ार में, जब स्टॉक चलते हैं तो वो सब घातक सिग्नल तोड़ के चलते हैं। आप अगर इन्वेस्टेड रह गए या SIP कर रहे हो, तो पूरे साल में 15-20 दिन ऐसे आते हैं जिसमें बाज़ार आपको शायद 1.5-2 साल के रिटर्न दे के जाता है, ये बात याद रखना आप। This is actually the crux of the market and this is actually quite true. So Happiest Minds is one stock which is good quality, they have steady business. This is not a buy or sell recommendation. Please consult your financial advisor and then take a call. But fresh breakout stock ki baat chal rahi hai, isne breakout diya hai and this has momentum with it. Momentum ke saath breakout diya, delivery buying ho rahi hai. To is pe nazar rakhni chahiye. देखते हैं कहाँ तक ये, क्या 1000 क्रॉस कर सकता है या नहीं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।